हाय एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। सॉरी, मेरा थोड़ा तबीयत खराब है तो आपको ऑडियो थोड़ा अजीब लग रहा होगा। लास्ट वीक हमने ईडन डिविजन स्ट्रेटजी प्रोवाइडेड बाय स्वप्नाजी शर्मा का बैक टेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट किया था। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंदर से जरूर चेकआउट करना। सो इन दिस वीडियो वी विल सी अनदर स्ट्रेटजी। क्रेडिट फॉर द स्ट्रेटजी गोज टू विक्रम प्रभु, हु हैज अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड एज पिवट कॉल्स विद ओवर 370K सब्सक्राइबर्स। आप उनका चैनल देख सकते हो। हमारे भी चैनल पे बहुत जल्दी 8K होने वाले हैं, तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो कर दो यार। सो टुडेज वीडियो इज पार्ट ऑफ अवर फेमस यूट्यूबर्स फ्री स्ट्रेटजी सीरीज, वेयर वी टेस्ट स्ट्रेटजीज प्रोवाइडेड बाय योर फेवरेट यूट्यूबर्स एंड बैक टेस्ट दो स्ट्रेटजीज एंड कैलकुलेट द रियल विन रेट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू बैक टेस्ट अनदर फेमस स्ट्रेटजी कॉल्ड एज इनिशियल बैलेंस स्ट्रेटजी प्रोवाइडेड बाय विक्रम प्रभु फ्रॉम पिवट कॉल्स। स्क्रीन पर आप वीडियो देख सकते हो। उनके हिसाब से इसका विन रेट 70% के ऊपर है। देखते हैं ये स्ट्रेटजी, उन्होंने वाइड इनिशियल बैलेंस को कैसे ट्रेड करना है बैंक निफ्टी और निफ्टी में, ऐसा बताया है उन्होंने। इनिशियल बैलेंस हमने ऑलरेडी ये वीडियो में कवर किया है, आप चाहे तो ये वीडियो इस वीडियो के बाद देख सकते हो। बट इन शॉर्ट, फर्स्ट वन आवर दैट इज 9:15 to 10:15 में जो भी हाई और लो का रेंज बनता है उसको हम इनिशियल बैलेंस बोलते हैं। अब इसमें भी टू टाइप्स का इनिशियल बैलेंस होता है, नैरो इनिशियल बैलेंस और वाइड इनिशियल बैलेंस। जब इनिशियल बैलेंस नैरो होता है देन इट इज़ जनरली कंसिडर्ड एज अ ट्रेंडिंग डे, और जब इनिशियल बैलेंस वाइड होता है देन इट इज़ जनरली कंसिडर्ड एज अ साइडवेज मार्केट। अब वाइड और नैरो इनिशियल बैलेंस को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत लोगों के लिए अलग अलग डेफिनेशन होता है इसका। बट एज पर माई नॉलेज वाइड और नैरो इनिशियल बैलेंस का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। नॉट दैट आई नो, आई मे बी रॉन्ग, यू कैन करेक्ट मी इन द कमेंट्स। और विजुअली देख के तो आप बोल नहीं सकते हो कि हाँ ये इनिशियल बैलेंस वाइड है कि नैरो है, और वो सही भी नहीं होगा। सो ये वीडियो में हम क्या करेंगे वो इंट्रो के बाद कवर करूंगा। डोंट वरी, आप मेरे को जानते हो मैं कोई भी चीज़ सब्जेक्टिवली नहीं करता हूँ। सिंस ये इंडेक्स स्ट्रेटजी है तो आप जानते हो कि हम इंडेक्स वाली स्ट्रेटजी को फ्यूचर्स के लिए टेस्ट करते हैं। वो रिजल्ट्स को देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि ये ऑप्शंस में कैसे काम करता है। तो इंट्रो के बाद हम स्ट्रेटजी पे चलते हैं जहां हम इनिशियल बैलेंस स्ट्रेटजी प्रोवाइडेड बाय पिवट कॉल्स को टोटल 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और चेक करेंगे कि ये कैसे काम करता है। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इनसाइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट प्लॉट करेंगे। सिंपली ऊपर निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी सर्च करो तो पहले ही आ जाएगा और उसको ऐड कर दो। अब टाइम फ्रेम को 5 मिनट्स कर देंगे। अभी इसके बाद हम इंडिकेटर्स पे क्लिक करेंगे और इनिशियल बैलेंस सर्च करेंगे, और आपको एक इंडिकेटर सजेस्ट होगा ये वाला नूप 42 करके, आप वो चार्ट पे ऐड कर देना। अभी इधर सेटिंग्स में जाएंगे और इधर टाइम को 9:15 से 10:15 कर देंगे। अब स्टाइल्स में जाके सब अनटिक करेंगे सिर्फ बॉक्सेस को छोड़ के, और ओके कर देंगे। ये सेम इंडिकेटर हमने हमारी वाइस स्टॉक रिसर्च की VWAP प्लस PVAT प्लस मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी में भी दिखाया था। अब रूल देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात जो हमने इंट्रो के पहले बोला था, वाइड इनिशियल बैलेंस और नैरो इनिशियल बैलेंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे, कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए राइट। अभी उन्होंने वीडियो में ये बोला था कि वो निफ्टी 50 में 100 पॉइंट्स को वाइड इनिशियल बैलेंस अज्यूम करते हैं। तो अगर निफ्टी 50 में अगर आप 100 पॉइंट्स देखते हो तो दैट इज़ रफली अराउंड 0.62% प्राइस चेंज। हम इसको राउंड ऑफ करके 0.6% बोल देंगे। सो हमारा डेफिनेशन क्या होगा, अगर आपका इनिशियल बैलेंस 0.6% के नीचे है तो उसको हम नैरो इनिशियल बैलेंस कंसीडर करेंगे, और 0.6% के ऊपर है तो उसे हम वाइड इनिशियल बैलेंस कंसीडर करेंगे। ये सेम गोज फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर बोथ, ओके। चलिए अब रूल्स फॉर बाय एंट्री देखते हैं। फर्स्ट, इनिशियल बैलेंस शुड बी वाइड, सो दैट मीन्स इनिशियल बैलेंस आपका 0.6% के ऊपर होना चाहिए। सिंस ये स्ट्रेटजी साइडवेज मार्केट के लिए है तो आपको बेसिकली ये दो रेंज है ना उसके बीच में ही ट्रेड करना है। जैसे जैसे ही आपका प्राइस ये लोअर लेवल को रिजेक्ट करता है या फिर नीचे जाके वापस ऊपर आता है और एक बुलिश कैंडल बनाता है तो आपको एंट्री लेना है। अभी आप में से कई लोग को ये डाउट आ सकता है कि प्रणीत, प्राइस नीचे जाके ऊपर आना तो ठीक है, सेंस भी बनता है और ऑब्जेक्टिव भी है, बट जब आप ये बोलते हो कि ये लेवल को रिजेक्ट करे और ऊपर जाए तो इसको आप प्रॉपरली कैसे डिफाइन करेंगे। कोई बोलेगा ये नियर है तो कोई बोलेगा ये नियर है, तो इसको प्रॉपर डेफिनेशन कैसे हम देंगे। इसलिए हम एक और क्राइटेरिया बनाएंगे फॉर रिजेक्शन वाले कंडीशन के लिए, कि अगर एक बेरिश कैंडल फॉर्म होता है
इस लोअर इनिशियल बैलेंस के 0.05% प्राइस के आसपास। मतलब ये बुलिश कैंडल जो है वो 0.05% प्राइस का लेवल है, ये लोअर इनिशियल बैलेंस को उसको टच करना चाहिए। अगर ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई होता है तो ही आप एंट्री लेंगे। सो लेट मी रिपीट द रूल, प्राइस शुड रिजेक्ट एंड मेक अ बुलिश कैंडल विच शुड बी एटलीस्ट टचिंग 0.05% ऑफ द रेंज फ्रॉम लोअर इनिशियल बैलेंस, और इफ प्राइस गोज बिलो द लोअर इनिशियल बैलेंस एंड देन अगेन री एंटर्स द जोन विद बुलिश कैंडल हुज क्लोज इज अबव लोअर इनिशियल बैलेंस। ओके, ये रूल आई थिंक सो क्लियर है, आप एग्जाम्पल देखोगे तो थोड़ा समझ जाएगा। थर्ड रूल, यू कैन टेक मैक्सिमम 2 trades इन अ डे। उन्होंने कोई लिमिटेशन तो नहीं दिया है अपने वीडियो में कि आप एक सिंगल डे में आप मैक्स कितना ट्रेड ले सकते हो, बट हम एक लिमिटेशन ऐसे ही डाल देंगे कि आप मैक्स टू मैक्स सिर्फ 2 trade लेंगे एक दिन में। तो एंट्री वुड बी एट द हाई ऑफ द कैंडल, स्टॉप लॉस कैंडल का लो, और बिलो द इनिशियल बैलेंस विच एवर इज लोअर। मतलब ये दोनों में से जो लोअर रहेगा आपको उसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट 2 times द रिस्क। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो इनिशियल बैलेंस इज 0.62%, और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ये प्राइस ने लोअर इनिशियल बैलेंस के उधर रिजेक्शन दिखाया है और एक बुलिश हैमर कैंडल बनाया है विच इज़ टचिंग 0.05% ऑफ द लोअर इनिशियल बैलेंस रेंज। सो एंट्री वुड बी एट द हाई ऑफ दिस कैंडल, स्टॉप लॉस वुड बी बिलो द कैंडल लो और बिलो द इनिशियल बैलेंस। इन दिस केस इट वुड बी बिलो द इनिशियल बैलेंस क्योंकि वो नीचे है, और टारगेट 2 times द रिस्क एंड दैट्स अ विन। अब चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं दूसरे केस के लिए। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ इनिशियल बैलेंस 0.8% है, सो दिस वुड बी कंसीडर्ड एज अ वाइड इनिशियल बैलेंस। यहाँ प्राइस लोअर इनिशियल बैलेंस के नीचे जाके ऊपर आ रहा है, सो हमें ये ब्रेकआउट कैंडल जो है उसके आई के ऊपर एंट्री लेना है। एंट्री वुड बी एट द हाई ऑफ द कैंडल, स्टॉप लॉस वुड बी बिलो द कैंडल लो और बिलो द लोअर इनिशियल बैलेंस विच एवर इज लोअर। इन दिस केस इट वुड बी बिलो द कैंडल लो और टारगेट 2 times द रिस्क एंड दैट्स अ विन। चलिए आई होप बाय कंडीशन सबको क्लियर है। अभी सेल कंडीशंस भी देख लेते हैं हम। सबसे पहला रूल, इनिशियल बैलेंस शुड बी वाइड। सेकेंड, प्राइस शुड रिजेक्ट एंड मेक अ बेरिश कैंडल विच शुड बी एटलीस्ट टचिंग द 0.5% रेंज फ्रॉम अपर बैलेंस, और इफ प्राइस गोज अबव द अपर इनिशियल बैलेंस एंड देन अगेन री एंटर द जोन विद अ बेरिश कैंडल हुज क्लोज शुड बी बिलो द अपर इनिशियल बैलेंस। इसको वापस शॉर्ट में बोलूँ तो आपका प्राइस ये अपर लेवल को जब रिजेक्ट कर रहा है और एक बेरिश कैंडल बना रहा है, और ये कैंडल आपका अपर इनिशियल बैलेंस का 0.5% के रेंज को टच करना चाहिए, या फिर जैसे ही आपका प्राइस ये अपर इनिशियल बैलेंस को ब्रेक करके ऊपर जाता है और वापस री एंटर कर रहा है जोन पे, मेकिंग अ बेरिश कैंडल जिसका क्लोज इनिशियल बैलेंस के नीचे हो। थर्ड कंडीशन, यू कैन टेक मैक्स ट्रेड ऑफ 2 per day। अभी एंट्री वुड बी एट द लो ऑफ द कैंडल, स्टॉप लॉस कैंडल का हाई या फिर अबव द इनिशियल बैलेंस विच एवर इज हायर एंड टारगेट 2 times द रिस्क। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये लेफ्ट वाले को अब फिलहाल इग्नोर करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ इनिशियल बैलेंस इज 1.18%, सो दिस इज ऑब्वियसली कंसिडर्ड एज अ वाइड इनिशियल बैलेंस। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर प्राइस अपर इनिशियल बैलेंस के उधर रिजेक्शन दिखाया है और ये बेरिश कैंडल जो बनाया है ना वो 0.5% को टच कर रहा है अपर बैलेंस के। सो एंट्री वुड बी एट द लो ऑफ द कैंडल, स्टॉप लॉस वुड बी अबव द कैंडल हाई और अबव द अपर इनिशियल बैलेंस। इन दिस केस इट वुड बी अबव अपर इनिशियल बैलेंस एंड टारगेट 2 times द रिस्क एंड दैट्स अ विन। अब चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि दूसरा केस भी क्लियरली समझ आए। यहाँ देखिए, यहाँ इनिशियल बैलेंस इज 0.6%, सो दिस वुड बी कंसिडर्ड एज अ वाइड इनिशियल बैलेंस। यहाँ प्राइस अपर इनिशियल बैलेंस के ऊपर जाके वापस नीचे आया है और यहाँ एक ब्रेकआउट कैंडल बनाया है। ये कैंडल का लो पे हम एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस वुड बी हाई ऑफ द कैंडल और अबव द अपर इनिशियल बैलेंस विच एवर इज हायर। इन दिस केस इट वुड बी अबव द कैंडल हाई एंड टारगेट 2 times द रिस्क। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको क्लियर है। आप उनका वीडियो ज़रूर देखिए, और अगर आपको स्ट्रैटेजी के बारे में और डिटेल में जानना है तो इस स्ट्रैटेजी को हम टोटल 100 times टेस्ट करेंगे और इसका असली विन रेट चेक करते हैं। आई लेट यू नो द फुल रिजल्ट आफ्टर द टेस्ट। चलिए रिजल्ट देखते हैं।
सो द टेस्ट आर ओवर। जैसे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड वॉज 100, उसमें से 42 वॉज विन एंड 58 वॉज लॉस। सो विन रेट हुआ 42%, टोटल गेन इन एन अकाउंट वॉज 27.94% एंड मैक्स ड्रॉडाउन इज -7.05%। कंटिन्यूस विन इन अ रो वॉज 3 एंड कंटिन्यूस लूज इन अ रो वॉज 7। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वॉज 2.433 मंथ्स। सो द रिजल्ट्स आर गुड, 27.94% गेन इन 2.43 मंथ्स एंड ड्रॉडाउन इज ऑल्सो जस्ट -7.05%। सो जैसे आप देख सकते हो रिजल्ट्स आर प्रॉफिटेबल। अब इसमें एक और चीज़ है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। उन्होंने जब अपने रूल्स डिस्कस किया था तब उन्होंने एक चीज़ बोला था कि आपको एनालाइज करना है कि आज मार्केट साइडवेज रहेगा कि ट्रेंडिंग रहेगा, और अगर मार्केट साइडवेज रहेगा तो ही आपको स्ट्रेटेजी यूज करना है। अब ये चीज़ मेरे हिसाब से बहुत इनकरेक्ट और सब्जेक्टिव है। फर्स्ट थिंग, वाइड इनिशियल बैलेंस का ही मतलब होता है कि मार्केट आपका साइडवेज रहेगा, और दूसरी बात, मार्केट साइडवेज रहेगा कि या ट्रेंडिंग रहेगा ये बहुत सब्जेक्टिव बात है। कोई बोलेगा वाइड CPR है तो मार्केट साइडवेज रहेगा, तो कोई बोलेगा 200 EMA फ्लैट रहेगा तो मार्केट साइडवेज रहेगा, या फिर कोई ऐसा भी बोल सकता है कि प्राइस एक्शन देखिए, अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिखता है तो आप बोल सकते हो कि मार्केट साइडवेज रहेगा। ये सब गलत है और सब्जेक्टिव है मेरे हिसाब से। वाइड CPR में भी स्टॉक रैली करता है, 200 EMA फ्लैट हुआ तो क्या हो गया, स्टॉक मूवमेंट दिखाता है उसमें भी। और प्राइस एक्शन की बात करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ब्रेक होते हैं, तो ये बोलना कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि मार्केट साइडवेज रहेगा कि ट्रेंडिंग रहेगा, ये एब्सोल्युटली मेरे हिसाब से गलत है और एक एक्सक्यूज है कि अगर स्ट्रेटेजी काम नहीं करता है तो आप लोगों को बोल सकते हो कि आपने बराबर से ये चीज देखा नहीं करके। एनीवेज, कूडोस टू विक्रम प्रभु फ्रॉम पिवट कॉल्स फॉर शेयरिंग सच एन अमेजिंग स्ट्रेटेजी। यू कैन चेक हिज चैनल, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। एज ऑलवेज, जैसे ही मैं बोलता हूँ आपको सीधा मेरी बात या किसी की बात ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। हर स्ट्रेटेजी को आपको खुद को टेस्ट करना है और फिर डिसाइड करना है कि ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करता है। सो आई लाइट दिस स्ट्रेटेजी इन द गूगल शीट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड दिस टेक अ 6th पोजीशन इन द लिस्ट। यू कैन चेक द लिस्ट एंड रिव्यू और रिवॉच एनी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी यू लाइक। सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड हिटिंग द बेल नोटिफिकेशन, एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो UPI ID आपकी स्क्रीन पे होगा, और अगर आपको ये बैक टेस्टिंग शीट चाहिए तो मैंने इसे ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर किया है, आप वही वाला वीडियो जो हमने प्रीवियसली बोला ना वो देख सकते हो, उसमें मैंने शीट प्रोवाइड किया आपको फ्री में। प्लीज़ कमेंट में आपके फीडबैक दीजिए, और कौन सी स्ट्रेटेजी आप चाहते हैं कि हम बैक टेस्ट करें अपने फ्यूचर वीडियोज़ में ये भी ज़रूर बताना। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट देख सकते हो और दूसरी स्ट्रेटेजी के वीडियोज़ भी देख सकते हो। ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ फॉलो अस एंड शो योर सपोर्ट। मोर ऑसम कंटेंट्स आर ऑन द वे, सो सी यू नेक्स्ट टाइम।